दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। सुखदेव सिंह करनाल के गांव संगोहा का रहने वाला है और किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली गए थे और दिल्ली में 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह पर 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था, जिसकी तलाश में पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी हुई थी। कल पुलिस ने सुखदेव को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सुखदेव की गिरफ्तारी की खबर परिवार को देर शाम तक लग गई। रात को भाई के पास फोन आया जिसमें बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जो 26 जनवरी लाल किले के मामले में आरोपी है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उन्हें ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, जिसके बाद परिवार की चिंता बढ़ गई और अब परिजन पता लगाने में जुट गए हैं। सुखदेव सिंह के परिवार वालों का कहना है कि सुखदेव सेवा करने वाला आदमी था, किसान परिवार से जुड़े हुए थे, उन पर कभी भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, सबकी मदद करते थे, दिल्ली किसानों के आंदोलन में शामिल होने गए थे, लेकिन उन्हें कल पता लगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार का कहना है वे निर्दोष है। अमरजीत सिंह सनुख सुखदेव सिंह संगोवा डिस्ट्रिक्ट करनाल तो असं एक न्यूज़ देख रहे हैं जो साढ़े डैडी जी बारे आ रही है कि चंडीगढ़ तो दिल्ली क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया। साढ़े घर तो गए हुए लगभग उन्होंने 2 महीने हो चुके ने, नहीं घर अज तक वो आए, एक दो बारी फोन का संपर्क जरूर होया सी बट घर नहीं कभी आए। तो अपना बॉर्डर पर ही ने सिंधु बॉर्डर पर, तो अपना उतों हूँ पुलिस सानू दस रही है भी चंडीगढ़ों गिरफ्तार किया। असं ये नहीं जानते भी चंडीगढ़ की लैन गए हैं, जो सिद्धू बॉर्डर बैठे हुए थे पुलिस की कर रही है की मिली भगत उन्होंने सानू नहीं पता। जो उन्होंने उत्ते धारा देख रहे असं लगा रहे हैं, आप दस रहे हैं टीवी के भी 50,000 के इनामी बदमाश से वो सी, ऐसा उन्होंने की किया जहाँ इनामी बदमाश। असं खानदानी किसान हाँ, साड़ी सारी जमीन है, घर रहने पूरे परिवार के नाल रहने, तो वह भी शुरू तो असी इस गल कहने भी साढ़े पूरे परिवार के साढ़े दादा जी तो साढ़े डैडी जी तो साढ़े अगों बच्चों से एक लड़ाई झगड़े का भी कोई केस किते कोई साबित कर दे, 57 का भी साबित कर दे, फिर ये मोस्ट वॉन्टिड बना रहे हैं। ये गलत गल हो रही है, सरकार साढ़े नाल धक्का कर रही है किसानों नाल, तो सानू साडी तो अपील है जी भी सरकार सानू इंसाफ दे। हमको तो कल न्यूज़ में पता चला तकरीबन 4:30 बजे कि ऐसे करके सुखदेव सिंह जो लाल किले का मोस्ट वांटेड है जिस पे 50,000 रुपये इनाम रखा गया, उसको दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने चंडीगढ़ रेड लाइट के ऊपर भाई गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद हम लोग कॉल करते रहे उनके नंबर के ऊपर, नंबर उनके स्विच ऑफ है, तो उसके बाद हम लोगों ने चंडीगढ़ वगैरह में कई जगह कॉल की हैं वेरीफाई करवाने के लिए, लेकिन हमको कोई ऐसी न्यूज़ मिली नहीं है। तो उसके बाद ना तो यहाँ कोई लोकल पुलिस हमारे साथ कोई संपर्क में आई है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन रात को 11:30 बजे के तकरीबन अंकल जी के पास कॉल आई थी दिल्ली से, क्या कहा कि आपके जो सुखदेव सिंह जी हैं उनको हम लोग चंडीगढ़ से अरेस्ट करके और दिल्ली क्राइम ब्रांच में ले आए हैं। और आरोप क्या उनके ऊपर, क्या आरोप उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया।